हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे, अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो आज है बुधवार, वेडनेसडे है, मेरा सभी काम हो गया। कपड़ा मुझे डालना है, धोई हूँ, बस डालना है। मैं अभी मंदिर से जस्ट आ ही रही हूँ। मैं सोची चलो पहले चाय पी लेते हैं। चाय नहीं बना, दूध की चाय बन रहा है मेरा। यहाँ पर दूध निकाल लिया है मैंने, और महाराज जी गए काम पे। अब मेरा बड़ा बेटा गया स्कूल, छोटा बेटा उठा है, पता नहीं क्या कर रहा है। तो आजकल नाटक कर रहे हैं, और क्या करेंगे ना शशांक, नाटक कर रहे हो ना। और आप लोग कैसे हैं जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। और प्लीज़ वीडियो को जो भी न्यू है सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। क्या कर रहे हो? तो ब्रश करो, चाय बना रही हूँ। बाकी मैं बनाई हूँ आज दाल चावल, ठीक है, बिना मतलब का बर्तन हमारे यहाँ पे सब करते हैं, खराब करते हैं। आ रहा हूँ ना, मंदिर चले जाते हैं तो लोग यही करते हैं। दाल चावल रोटी सब्जी बनाए, परवल की सब्जी भुजिया बनाई हूँ। चाय पीना है? चाय के नाम पे लो जल्दी उठ जाते हैं, जो फटाफट नहा धो भी लेगा। तो चलिए पहले दूध यहाँ रख दीजिए, इतना ज़रूरत है उतना ले लिया है। और आप लोगों को बैक कैमरा से मैं दिखाती हूँ ना, क्यों चालू करके रखी हूँ, मैं लड्डू गोपाल के लिए थाली लाई थी तो दिखाना ही भूल गई थी, बैक कैमरा से दिखाती हूँ। तो पहले आप लोगों का दर्शन कर लीजिए और आशीर्वाद ले लीजिए। और यहाँ पे मेरा दीयावती पूजा पाठ सब हो चुका है, भोग में ये लगाई थी और ये दाल चावल बनाई थी, तो मैं इनको दाल चावल खिला दी हूँ। ये देखिए चम्मच है छोटा सा, और ये छोटी सी थाली लेके आई थी मैं कल, तो बहुत सुंदर थाली है। और ये देखिए बहुत छोटा सा, अच्छा लग रहा है ना, आप लोग बताना कमेंट बॉक्स में कैसा है। तो इनको दाल चावल मैंने खिला पिला दिया है भैया, और यहाँ पर पूजा पाठ सब अच्छे से हो चुका है सभी देवी देवताओं का। चलते हैं, अभी चाय रखी हूँ, देखो हो गया। अरे बाप रे, हो गया अभी चाय का। चाय मेरा भी हो जाता है फटाफट, तब चाय पियेंगे, कपड़े डाल दूँ, धुली हूँ मैं, दिन डेली का तो यही सब काम है फ्रेंड्स, सब यही सब चलते रहता है। आज कोई रेसिपी तो अभी नहीं है इस टाइम, जो भी रहेगा शाम को रहेगा तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। चाय मेरी बन रही है, दो कप बनाती हूँ, थोड़ा ज़्यादा ही बन गया मुझे लग रहा है आज। सही बोला, मैं बोले कम में हाँ। सो फ्रेंड्स, अब मैं चल रही हूँ बनाने सेम का चोखा। तो आप लोग कैसे बनाते हैं जरूर बताना, हमारे यहाँ इसका चोखा ही बनता है ज़्यादा, आलू डालकर इसका चोखा बहुत अच्छा बनता है, और सब्जी भी बनता है, भुजिया भी बनता है, मसाले वाला भी बनता है, हर एक तरह की रेसिपी इसकी बनती है और बहुत अच्छा टेस्टी लगता है। मुझे सबसे ज़्यादा इसका चोखा अच्छा लगता है। तो कौन कौन चोखा खाए हैं ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। अब मैं चल रही हूँ बनाने, इसे साफ करूँगी, थोड़ा उसमें बीज है तो और भी अच्छा लगेगा। चलिए इसका जो इस तरह का छिलका रहता है निकालना है मुझे, रेसे वाला। एक हाथ से नहीं हो रहा है, एक हाथ से कैमरा पकड़ी हूँ ना, और हमारे यहाँ सब मैच देख रहे हैं इसलिए सब बिजी हैं। तो मैं चल रही हूँ पहले इसे करके फिर मिलते हैं। यहाँ पर इसके छिलके इसी तरह निकाले जाते हैं, इसके जो रेसे होते हैं फ्रेंड्स इसी तरह, देखिए एक बाजू से खींचेंगे तो पूरा अच्छे से निकल जाता है, और दूसरे साइड से भी इसी तरह से निकालेंगे, और फिर बीच को भी तोड़ेंगे तो निकल जाता है अच्छी तरह जो बचा हुआ छिलका रहता है, और इसी तरह बीच में से हम
तोड़ के देख लेंगे कोई कीड़े मकोड़े, मतलब तो कीड़े जो छोटे छोटे रहते हैं ना सब्जियों में वो तो नहीं, क्योंकि इसमें ज़्यादा ही मिलते हैं, अगर ख़राब है तो निकल ही जाता है, तो इसी तरह इसे हम साफ़ कर लेते हैं। और चलिए आलू और इसे रख देंगे उबलने के लिए। तो फ्रेंड्स मैंने आलू और टमाटर सेम रख दिया, मैं ध्यान ही नहीं दी, मुझे वीडियो बनाना था लेकिन रख दी उबलने के लिए, उबल जाता तो दिखा देती हूँ आप लोगों को। और यहाँ पर मेरा बाटी बन गया, रख दी है बाटी हम लोग, अभी धीरे धीरे इसमें होगा, दूध दूध गर्म हो चुका है मेरा सब। लहसुन छीन लिया, इधर मिर्ची अदरक और धनिया कट की हूँ, प्याज अभी नहीं कट की हूँ क्योंकि अभी मुझे थोड़ा सा बना के फिर निकाल के फिर मैं सब मिक्स करूँगी, अभी ये सीटी आई हो जाए तब। तो बट्टी हमारा लगभग हो ही गया है, अब चलते हैं चोखा बना लेते हैं फ्रेंड्स, और चलते हैं चोखा की तैयारी करते हैं। इसमें देखिए मैंने बॉईल किया हुआ है आलू टमाटर और ये सेम, तो इसे थोड़ा ठंडा होने देते हैं फिर छील लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही जल रहा है ना, इसलिए पानी तो डालेंगे नहीं तो ख़राब हो जाएगा, ठंडा हो जाए तब बनाते हैं। फ्रेंड्स अभी थोड़ा जल ही रहा है लेकिन मैंने आलू छील लिया है, इसमें डाल रहे हैं धनिया मिर्ची अदरक लहसुन प्याज में थोड़ा बाद में डालूंगी क्योंकि मुझे थोड़ा बनाकर निकालना है, भोग लगाना है लड्डू गोपाल को इसलिए। और नमक भी डाल देती हूँ, नमक भी डाल दे रहे हैं स्वाद अनुसार, तेल और राई का तेल डालेंगे इसलिए तेल नहीं डाल रही हूँ, लहसुन प्याज भी बाद में। और चल रही हूँ पहले से मिक्स कर लेती हूँ, भोग लगा देती हूँ भगवान जी को, तब करते भी जल रहा तो इससे मैं इसके सहारे से फोड़ लूँगी, इसी तरह मिक्स करूँगी। सो फ्रेंड्स बन गया, चलती हूँ मैं अपने लड्डू गोपाल को भोग लगा देती हूँ फिर और आगे बनाती हूँ। फ्रेंड्स लहसुन प्याज मैंने सब डाल दिया, तेल भी डाल दिया है, इसे मिक्स कर लेते हैं। तो इनका भोग लग चुका, बच्चे लगाए थे, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए।